आप सभी का स्वागत आज की इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं हेरा फेरी 3 से रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं हेरा फेरी 3 के डायरेक्टर को लेकर अपडेट दूंगा, साथ ही साथ हेरा फेरी 3 की शूटिंग कब से स्टार्ट होने वाली है वो भी जो है पता चला है। तो यार मैंने कल आज जो सुबह वाली वीडियो में मैंने एक चीज़ शेयर की थी आप सभी के साथ, जिसमें जो है हमारे हिमेश भाई ने आस्क हिमेश रखा था, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, किसी ने और किसी एक्टर के बारे में पूछे, मतलब सभी फैंस ने पूछे अपने अपने एक्टर के बारे में। तो अकेंस ने क्वेश्चन पूछा था कि भाई जो है शूटिंग हेरा फेरी 3 की कब स्टार्ट होगी और डायरेक्टर कौन होने वाले हैं, उससे रिलेटेड उनसे जो है भाई क्वेश्चन पूछा गया, उससे रिलेटेड उनका क्या रिप्लाई था सबसे पहले वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। वो स्क्रीन पर देख ही सकते हो जहां पे जो है उन्होंने पूछा था एक अकियन भाई ने, व्हेन विल हेरा फेरी 3 शूटिंग स्टार्ट एंड हु विल डायरेक्ट द फिल्म, इसको लेकर उन्होंने शेयर करते हुए ये कहा हिमेश भाई ने, हेरा फेरी 3 विल बिगेन इन सेकंड हाफ ऑफ 2024, यानी कि सेकंड हाफ में जो है 2024 में इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आई शैल गेट बैक ऑन डायरेक्टर नेम सून, मतलब बहुत जल्द जो है आप सभी को उनकी तरफ से जो है एक आर्टिकल जो है मिलने वाला है, जिसमें वो हमें जो है शेयर करेंगे कौन डायरेक्ट करने वाला है हेरा फेरी 3 को, मतलब जो है डायरेक्टर जो डायरेक्ट करेगा। मेरे हिसाब से यार अभी के लिए जो मतलब जो है जो कर सकता है इस मूवी को डायरेक्टर अभी के लिए अपने सर पर बोझ उठा सकता है, एक तो राज मेहता, उनका नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो है हमें डायलॉग देखने को मिले थे सेल्फी में जो मतलब थोड़े फनी थे, मतलब उस तरीके के थे कुछ सीन आप देखोगे तो, जैसे कि वो वाला सीन था उस हीरोइन को जो है मतलब अपने हाथों में उठाकर गोल गोल घुमाते हैं, वहां पर भी एक सीन था वो वाला सीन एक बहुत ज्यादा मजेदार है, वैसा ही कुछ सीन हमें देखने को मिल जाए तो और अच्छा मजा आ जाएगा। मतलब ये हेरा फेरी 3 जो ब्रांड है ना, इसमें इसी तरीके की हमें कॉमेडी चाहिए, इसी तरीके का जो मतलब नॉर्मल को किस तरीके से हाई लेवल पे कॉमेडी लेकर जाएंगे वो कुछ जो है कुछ डायरेक्टर है प्रियदर्शन सर है वो नहीं करेंगे, वो हाथ जोड़े बैठे हैं पहले ही, मतलब वो नहीं करने वाले हेरा फेरी 3 डायरेक्ट के लिए। इतना ही कह सकते हैं कि भाई जो हेरा फेरी 3 डायरेक्टर है वो प्रियदर्शन सर तो नहीं करने वाले, क्योंकि उनसे यार बहुत ज़्यादा होप्स है, अगर वो करते हैं ना इसको डायरेक्ट तो बनेगी कुछ बात, फिर तो लगता है कि हाँ भाई हेरा फेरी 3 सीरीज हेरा फेरी के साथ जो है मतलब हेरा फेरी 3 जो पार्ट है उसके साथ पूरा जस्टिस होगा। पर अभी के लिए जो है फराज साम जी को तो बिल्कुल हटा दिया गया है, सबसे पहले गुड न्यूज़ तो यही है हम सभी के लिए कि जो है फराज साम जी इस मूवी से अब दूर है, वो कुछ नहीं करने वाले, इस मूवी से रिलेटेड कुछ नहीं रहने वाला, सबसे पहली बात तो ये अच्छी ये है मूवी के लिए अभी के लिए। और स्टार कास्ट आप सभी जानते ही हो, हमारे तीनों के तीनों जो जोड़ी है ट्रायो, कितना कॉमेडी ट्रायो ये कितना मज़ेदार है, ये एक साथ आ रहा है तो भाई धमाका तो होगा ही होगा स्क्रीन पर। और क्या जो है मतलब थीम क्या रहने वाली है, मैं तो वही सोचकर थोड़ा सा ये हूँ, क्या पता गन के लिए कोई नई स्कीम हो या कुछ और भी हो सकता है, मतलब वो जो जैसे नई स्कीम थी कि भाई 25 दिन में पैसा डबल, कुछ ऐसा जो वो स्कीम थी आप सभी को पता होगा, ऐसा ही कुछ जो और स्कीम जो है मतलब हमें पता चले अलग से, मतलब एज अ राजू की तरफ से हमें और स्कीम पता चलेगी मूवी में, और मीम्स बनेंगे और सारी चीज़ें होगी, मतलब ये जो है ना मैं तो कहूँगा कि हेरा फेरी 3 जो होने वाली है ना इसमें से भाई दुनिया भर के मीम्स निकलने वाले हैं। और जो प्रोमो की बात की जाए ना भाई, प्रोमो कब आएगा, जो शूट किया गया था भाई वो शूट किया गया था फराज साम जी के अंडर, पहले सबसे पहले ये बता देता हूँ मैं आप सभी को, फराज साम जी के अंडर जो वो है शूट किया गया था, हो सकता है जो मेकर्स है इसीलिए उसे अभी जो रिवील नहीं कर रहे, क्या पता दोबारा शूट करे उसको, क्या पता और कोई मतलब जो है प्रोमो शूट हो अभी के लिए, यही चीज़ अगर होगा तो मतलब अगर जो प्रोमो शॉट किया है उसमें से फराज साम जी का नाम निकाल कर और कुछ ऐड कर दिया है जो डायरेक्टर में रहने वाला है, अब जो पता चलेगा हमें कुछ ही दिनों में डायरेक्टर का नाम बहुत ज़्यादा रिवील कर देंगे हमारे हिमेश भाई। ये सारी चीज़ें जो है आपको शेयर कर दिया मैंने, आप सभी कितने एक्साइटेड हो हेरा फेरी 3 से रिलेटेड, और आप सजेस्ट जरूर कर सकते हो आपको क्या लगता है बॉलीवुड में ऐसा कौन सा एक्टर है, बॉलीवुड में बात की जाए या टॉलीवुड में या मतलब साउथ इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा कॉमेडी एक्टर वो मतलब डायरेक्टर है जो इस कॉमेडी मूवी को जस्टिस दे सकता है, कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।